वेलकम टू हमारा प्यारा किचन। दोस्तों आज हम बना रहे कैरी का अचार। तो ये देखिए 1.5 किलो कैरी हमने यहाँ लाए थे, कट करके लाए। इनको बहुत अच्छे से धो के इनको छन्नी में डाल के रखे। इनका पानी काफी हद तक ड्राई हो चुका है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको एक बर्तन लेते बड़ा सा और उसमें ये कैरियों को डालते। ये 1.5 किलो कैरी है। अब बस इसमें हम क्या करेंगे, 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो ये हमने निकाल के रखे हैं, 2 टेबल स्पून है ये पूरा, ये इसमें ऐड करते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के हल्दी पाउडर। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रात भर ढक के रखेंगे। और इसमें से जो भी इसका पानी जो कैरी का है, नमक का पानी है, ये सारा पानी सुबह तक ये अच्छे से निकल जाएगा। तो इसके बाद हम इसका कल अचार बना के दिखाएंगे दोस्तों आपको। दोस्तों हम गांव चले गए थे बोलकर थोड़ा दिन हमने वीडियो नहीं निकाल पाए हैं। तो ये चलिए आज हमारी पहली रेसिपी समझ जाइए आप। तो ये इसका कल अचार हम बनाते। अब इसको अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेते हैं ताकि हल्दी नमक अच्छे से इसमें लग जाए। कैरियों का सीजन अभी जाने को है। हमने और भी अचार 2.5 किलो का बना के रखे हैं, ये आप लोगों से शेयर करना था। बोल के ये 1.5 किलो की हम और अचार बना दें। तो बस ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसको हम ढक के रख देते हैं, सुबह को हम इसको बेक लेंगे सुबह में। तो जब काफी हद तक इसका पानी निकल जाएगा। अब इसको ढक के रखते हैं हम। देखिए ये कैरी हमने रात को रखे थे, तो इसमें काफ़ी हद तक पानी छूटेला। ये देखिए आपको दिखाती हूँ मैं, ये देख सकते हैं, ये देखिए कितना ये कैरी का पानी, ये देख सकते हैं। तो बस अभी हम इसको ना पानी को छान लेते हैं, छन्नी रखते हैं। ये पानी को इसमें हम कैरियों को डाल देते हैं। चलते इसको रखते हैं अभी हम 1-1.5 घंटे के लिए साइड में, ताकि इसका जो भी पानी एक्सेस पानी है तो ये सारा पानी उतर जाए। ये देखिए प्याले में कितना पानी निकला। तो अब इसको यहाँ रखते हैं हम, जब तक के इसके मसाले की तैयारी करते हैं। चलते गैस पे हमने एक फ्राई पैन रखे ले। यहाँ पे 2 टेबल स्पून भर के हम साबुत धनिया डालते हैं। गैस हमारा एकदम धीमी आँच पे है। यहाँ पे देखिए 2.5 चम्मच हमने बड़ी सौंफ लिए हुए, ये इससे खुशबू भी अच्छी आएगी और मसाला भी बहुत जायकेदार बनेगा। यहाँ पे 1/2 चम्मच हमने मेथी की बीज लिए हुए। यहाँ पे 2 चम्मच हमारे पास सरसों है, ये भी इसमें डालते हैं। 1/2 टीस्पून जीरा है, ये साबुत जीरा, ये भी इसमें डालते हैं। इनको अच्छी तरह से हम धीमी आंच पे भून लेते हैं, ताकि ये मसाले हैं तो जरा से क्रिस्पी हो, जले नहीं, बस हल्के से। चलते मसाला देखिए बहुत अच्छे से रोस्ट हुआ है, ना जला है ना कुछ, बस खाली हल्के से 1 मिनट के लिए हमने धीमी आंच पे इनको रखे थे। यहाँ पे रखते हैं अभी तेल। तेल 400 ग्राम है हमारे पास, इसमें से 1 प्याली हमने निकाल ली। इसको इतना गर्म करेंगे कि इसमें से अच्छे से धुआं बाहर आए। चलिए जब तक मसाले को ठंडा होने देते और इनको हम रोस्ट कर लेते मसालों को। चलते जी ये मसाले हमारे बहुत अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो अभी हम इसको मिक्सी के जार में डाल के एकदम दर दरा सा पीस लेंगे। बारीक पाउडर नहीं करना, एकदम दर दरा से पीस के हम इसको लेकर आते हैं। देखिए तेल बहुत अच्छे से गर्मा गया, धुआं निकल रहा है। यहाँ पे गैस का फ्लेम को हम बंद कर देंगे और तेल जरा से ठंडा धीमा हल्के से धीमा हो जाएगा तो हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट मिलाएंगे। देखिए जी कितना दरदरा सा इसको पीस के लेकर आए ले। तो बस इस तरह से ही चाहिए, मोटा मोटा सा। तो यहाँ पे रखते एक बर्तन और अब हम यहाँ पे ये मसाले को इसमें डालते हैं। कितने टेस्टफुल, जबरदस्त सी खुशबू आ रही मसालों में। दोस्तों इस तरीके से आप बनाइए, बहुत अच्छे आपके अचार बनेंगे। यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें डाल देंगे कलौंजी। इसी के साथ हम पाउडर मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च है, ये हम 2 चम्मच भर के डालते हैं। चलते इसमें डालते हैं 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, क्योंकि हमने पहले इसमें लाए 1 टीस्पून डाले थे रात को कैरी में। और यहाँ पे हम नमक ऐड करेंगे स्वाद के मुताबिक। पहले भी हमने इसमें 2 टेबल स्पून नमक ऐड करे थे, तो अभी स्वाद के मुताबिक नमक आप इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर और यहाँ पे इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। तो ध्यान रखिएगा जो भी बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं, कलची हो या बर्तन हो, तो सफाई साफ बर्तन होना चाहिए, नहीं तो अचार लंबे समय तक नहीं टिकेगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमने जो 400 ग्राम राई का तेल लिए थे दोस्तों, उसमें से हमने 1 प्याली तेल ले लिए है, ये इसमें हम डालते हैं।
इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। देखिए मसाला हमारा अच्छे से यहाँ पे तैयार हो गया है, तो अभी वहाँ पे हम चलते गरम तेल के तरफ। ये तेल थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तो यहाँ पे आधा चम्मच हम इसमें हींग डालेंगे। हींग से टेस्ट बहुत अच्छा आएगा हमारे अचारों का और बहुत अच्छा लगेगा अचार। ये देखिए कैरी अभी हमारी बहुत अच्छे से सूख गई है, पानी इसमें का पूरा निकल चुका है, तो अब ये कैरी को हम इसमें डालेंगे टेस्टफुल मसाले में। और यहाँ पे अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हैं हम। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया ये अचार हमारा, देखने में दिख रहा है ना टेस्टफुल जबरदस्त था। तो आप जरूर इसे बनाइए दोस्तों, और आपकी क्या राय है तो कमेंट में हमें बताइएगा। और हमारी चैनल रेसिपी अच्छी लगती रहेगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में। ये देखिए अब इसको हम करते हैं यहाँ पे, ये एक भरनी लिए ले कांच की, ध्यान रखिएगा कभी भी भरनी अचारों को डालने का तो कांच की शीशी लिया करिए, प्लास्टिक में ये खराब हो जाते। तो अब ये अचार को हम इसमें डाल देते हैं, बस यूँ इस तरह से भरनी में डालते हैं हम। चलते जी ये अचारों को इसमें हम डालें, अभी बाकी का अचार हम दूसरी भरनी में डालेंगे। तो यहाँ पे अभी वो जो तेल हमने गर्म करके रखे थे ये तेल ठंडा भी हो चुका है, अभी ये तेल को हम इसमें डालते हैं। बस यूँ इस तरह से बनाइए आप अचार, इतना मज़े का अचार है ये। अब थोड़ी सी कैरी हम इसमें, ये क्या होगा धूप, इसको दो चार दिन हम धूप लगा देंगे ना, तो ये तेल जो है ना इसका पूरा ऊपर आ जाएगा दोस्तों, और कैरी अंदर ही अंदर पकेंगी। दो तीन बार धूप देना इसको ज़रूरी है। यहाँ पे इसको हम ढक लेते हैं, ये देखिए इस तरह से कांच की शीशी में आप अचार को बनाइए, और कांच की शीशी में यूँ इस तरह से अचार भरिएगा। ये देखिए अचार है ना ज़बरदस्त सा मज़े का, ये देखिए। तो बस इस तरह से बनाइए, और आप हमें कमेंट में बताइए कैसे बनी हमारी अचार। ये देखिए मैंने 15 दिन पहले ये अचार को बनाई थी, ये देखिए ये अचार, ये भी दिखाती मैं आपको अचार, ये भी बड़ा टेस्टफुल ये तैयार हो चुका है अचार, ये खाने के काबिल हो चुका है ये अभी, ये क्योंकि 15 दिन पहले मैंने बनाई थी। ये देखिए इस तरह से सारा तेल ऊपर इसमें भी आएगा। तो ये बताइए आप हमें कमेंट में कैसी बनी हमारी अचार।